हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर हम रीडिंग करेंगे। सो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस लेकर आती हूँ गाइज। ठीक है, वो मैं इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल सके यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग गाइडेंस को जरूर से फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। सेलिब्रेशन, लेटिंग गो, टर्निंग इन, सोरो, हार्मनी, स्ट्रेस, वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर एंड रिसेप्टिविटी। बॉटम से है गाइज, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहां पर गाइज ये नजर आ रहा है कि आपको डिवाइन यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं है सेलिब्रेशन का, और उसी के नीचे स्ट्रेस का कार्ड है। तो यहां पर एंजल्स डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ ऐसी बातों का स्ट्रेस ले रहे हैं जो शायद लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों को अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है तो उनको गाइस सरेंडर करना सीखिए। ठीक है, हर चीज को आप अपने सर के ऊपर मत लीजिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस वजह से अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो गाइज यहां पर आपको उस चीज को सरेंडर करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो चीजें आपके हाथ में हैं वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, जिस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उस बात को स्ट्रेस लेकर अपने आप को खत्म करना कोई महानता का काम नहीं है कि आप अंदर से अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो उस चीज की स्ट्रेस लेकर। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेस को भूल जाइए और सेलिब्रेट करिए लाइफ में, वो काम करिए जो आपको काफी खुशी देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बाहर जाइए, मस्ती कीजिए, जो करना अच्छा लगता है वो करिए, मूवीज देखिए। ठीक है, और पार्टीज कीजिए। आपका मन नहीं है फिर भी आप अपने आप को अंदर से खुश रखने की कोशिश कीजिए, वो काम करिए जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस देते हैं और खुशी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन की दूसरी गाइडेंस ये है गाइस की, लेट गो, लेटिंग गो का कार्ड है, मतलब लेट गो करना सीखिए। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट गो नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो संभाल सकते हैं या सुलझा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली गाइज देखिए, अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और उस पर आपका कंट्रोल है तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए उस चीज को सुलझाने की, उस चीज को समझने की, उस चीज के ऊपर काम करने की। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। लेटिंग गो की एनर्जी दिखा रही है कि उसको लेट गो कर दीजिए जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर गाइज ऐसा है कि ये जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं आपसे ही बनी हुई है। ठीक है, आप भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करते हो, आप कोई यहां पर फालतू इंसान नहीं हो, आपका भी कोई यहां पर इस लाइफ में आने का आपका भी कोई मोटिव है, कोई आप ऐसे ही इस लाइफ में नहीं आ गए, आपका भी कोई सोल पर्पस है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहां पर डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आप वो करिए
जो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। और दुनिया बहुत बड़ी है, उसको थोड़ा ठीक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जितना आपने अपनी दुनिया में समझा या जितना भी आपने अपने लिए बनाया था, अगर उस चीज में थोड़ा सा भी खलल आ गया है, तो उसकी वजह से आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कि यहाँ पर खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। शुरुआत किसी भी समय की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर है टर्निंग इन का। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जितने लोग हैं जो टर्निंग इन, मतलब जो अपने अंदर जा रहे हैं इस वक्त, डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं, अपने आप से कनेक्शन बना रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि उनको यहाँ पर रास्ते मिल रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि इस लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी जिंदगी में और चीजें ऐसी क्या हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे आप अभी नॉर्मल हो और आप परेशान हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आपका मन शांत नहीं है, और जब शांत मन नहीं होता है तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, या ना ही उसे रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक शांत जगह पर बैठते हो, खुद से कनेक्ट होते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो और देखने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगती हैं कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, तो बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाते हैं। तो जो भी इस तरीके की एनर्जीज में है, या जिनको भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और लाइफ में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर जाइए, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, हेल्प लीजिए आप डिवाइन से, आप एंजल्स की हेल्प लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने रास्ते हैं, ठीक है, ये यहाँ से नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। अगला कार्ड है सौरों का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में हैं, और कारण क्या है दुख का, कि उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ काफी एडवेंचरस है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जाती है, एक सॉल्व होती है फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होती है फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थक गए हो, ठीक है, आप दुख में इसलिए भी हो क्योंकि आप अपनी लाइफ से हार गए हो, आपको तकलीफ होने लगी है, दुख होने लगा है बहुत ज्यादा कि और कितना, ठीक है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। सो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काफी एडवेंचर फेस कर रहे हो, ठीक है, एडवेंचरस लाइफ लग रही है आपको, लग रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं रही है कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया और सब आराम से हो जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर एनर्जीज हैं। सो गाइस डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस शांति को आप ढूंढ रहे हो ना, जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही आती है, ठीक है। यहाँ पर पता है बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम खुद से ही खुश रह सकते हैं, या फिर हम खुद से कनेक्ट होकर अपने अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ये होता है गाइस, अगर आप यहाँ पर खुद को हील करने की कोशिश करते हो, अपनी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके अंदर, या जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, अगर आप उन पर बेसिकली काम करते हो, जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर एंगर इश्यू होता है, ठीक है, तो उनका जो एंगर है वो कहीं ना कहीं बार बार बाहर आता है, बार बार सरफेस हो जाता है, और वो उनको शांति से नहीं रहने देता। तो अगर आप अपने एंगर को रिलीज करते हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो काफी शांत हो रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से जब आप सारी चीजों को रिलीज करते हो, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पर हील करते हो, तो डेफिनेटली आप काफी पॉजिटिव हो जाते हो और हायर वाइब्रेशंस में जाते हो। जब आप हायर वाइब्रेशंस में जाते हो गाइस, तो आप बहुत ज्यादा लाइट फील करते हो, आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो सबसे ज्यादा अपने आप से स्ट्रांग होता है। उसके बाद वही कनेक्शन आपका डिवाइन से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और आप हर पल शांति की जिंदगी, सुख चैन की जिंदगी जीते हो, ठीक है। तो अगर आपको काफी एडवेंचरस लाइफ लग रही है, तो आप थोड़ा सा खुद को ऊपर उठाइए। हार्मनी का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, जिससे भी आपका लव कनेक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है, और आप सबसे पहले खुद से कनेक्शन बनाइए। आप खुद से कनेक्शन बनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो भी सोल पार्टनर है उससे भी आप अपना जो लव है वो काफी रिसीव करेंगे। यानी कि अगर आप खुद से अपना कनेक्शन बहुत अच्छा बनाते हैं, सेल्फ लव जिसे हम बोलते हैं, तो वो पर्सन जो अभी आपसे भाग रहे हैं, वो भी डेफिनेटली आने वाले समय में आपकी तरफ ही भागेंगे।
ठीक है, क्योंकि जब आपका जो प्यार है, जो आप दूसरों को दे रहे हो, जो खुद को नहीं दे रहे हो, जो आपके पास भरपूर प्यार है ना, जो आप लोगों में बांट रहे हो लेकिन आप खुद में नहीं दे रहे हो, खुद को, खुद की लाइफ को आपने अंदर से स्ट्रेस से भर रखा है और आप लोगों को प्यार बांटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप खाली हो जाओगे गाइस, तो फिर खुद के लिए क्या बचेगा। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जो आप खुद दूसरों में बांट रहे हो ना, वो खुद के अंदर लेकर आइए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, खुद को अच्छा फील कराएंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका सोल पार्टनर है, जो भी जिसके साथ भी आपका हार्डनेस कनेक्शन है, वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे और वो ऑटोमेटिक वे में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, और वो भी आपको कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव करने लगेंगे, क्योंकि आप अभी तक उनको जरूरत से ज्यादा दे रहे थे जो आपको खुद को देने की जरूरत है। सो इसलिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, और जो चीजें आपको अभी समझ में नहीं आ रही उस चीज के लिए गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जो चीजें आपके हाथ पे नहीं, उनको जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर ना करें। यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप वही चीजें कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर कीजिए। यहाँ पर गाइडेंस लेना चाहूंगी, प्लीज एंजल्स गाइड गाइड कीजिए, और थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे और प्रॉपरली। कम्युनिकेशन इज की, लुक एट द बिगर पिक्चर, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और यहां से है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए यहां पर आपके जो एंजल्स हैं वो क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन इज की। सबसे पहले आप डिवाइन के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए कि आप लाइफ के अंदर चाहते क्या हैं, आपको चाहिए क्या है बेसिकली, ठीक है। आप अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे यही पर्टिकुलर चीज चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपके लिए सही है, तो फिर आप सरेंडर कर दीजिए, फिर आप भरोसा कीजिए कि जो डिवाइन देंगे वही आपको सही रहेगा। या फिर आप उन्हें क्लियरली बताइए कि आप यही चाहते हैं। आप ऐसा ना करें कि आप कभी बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए, फिर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, फिर बोलते हैं चाहिए, फिर बोलते हैं नहीं चाहिए। ऐसा ना करें, अपने कम्युनिकेशन डिवाइन के साथ बहुत अच्छे रखें, ठीक है। क्लियर बताएं उनको कि आप क्या चाहते हैं, और नहीं समझ पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो फिर सरेंडर कर दीजिए कि जो वो देंगे वही सही होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, थोड़ा सा अपना जो सोचने का नजरिया है वो बढ़ा दीजिए। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने अपनी छोटी सी दुनिया बना रखी है और उसके बाहर निकलकर आप देख ही नहीं रहे हैं, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। थोड़ा सा बड़े नजरिए से सोचिए। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके टेस्ट चल रहे हैं, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पर आपके टेस्ट चल रहे हैं, जो भी आपने कमिटमेंट की थी डिवाइन के साथ, ठीक है, जो भी आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन किया था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, ठीक है, और जो भी आपने अभी तक डिवाइन को बताया है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके सारे टेस्ट चल रहे हैं। जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है, और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगर आप ये जो परीक्षा चल रही है, जो टेस्ट चल रहा है, अगर आप उसको पास करते हैं तो डेफिनेटली विन विन आउटकम भी आपकी लाइफ में है एंड न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपकी लाइफ में है। तो ये तीनों ही कार्ड सिखा रहे हैं गाइस की आपके ये डिवाइन ने यहाँ पर बहुत अच्छा सोच कर रखा है, ठीक है। अन्य रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि डिवाइन ने आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर सोच कर रखा है, बस जरूरत है आपको देखने की, आपको अपने नजरिए को बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है, ये नजर आ रहा है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज।